मुझे लगता है मेरे जो हेयर्स हैं यार काफी बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, जब से मैंने कटाया नहीं है। सोचो यार कब से नहीं कटा है, कब से लॉकडाउन चालू हुआ है और अब तक नहीं कटा है मैंने। चलो इनको छोटा करते हैं, थोड़ा ठीक सा करते हैं ना। तो 1 2 3, ये तो नहीं हुआ यार, दोबारा करते हैं। 1 2 3। अबे यार क्या, अब क्या सही से ना। 1 2 3। ये लो हो गए बाल छोटे, है ना, अब ठीक लग रहे हैं ना, अब ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो हमारी ब्रांड है सैमसंग, इतने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे फोन निकालती है, इतने मस्त मस्त, इतने बढ़िया प्राइस पे, अब ये किस नशे में आ गई एकदम से? ये पहले नशे में थी, फिर इसको जगाया गया एंड दोबारा वही काम कर रही है। हे व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे हो यारो। सैमसंग बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है अपना नया फोन जून में, जिसका नाम है सैमसंग M51। बहुत अच्छा यार, एम सीरीज का मोबाइल है, काफ़ी सस्ता होने वाला है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आने वाले हैं लो प्राइस में, सब ये सोचते हैं एंड यही इसी के लिए मशहूर है सैमसंग के एम सीरीज। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, वो मैं आपको बोल के बता नहीं वाला, आपको पता होगा मैं गाता नहीं हूँ, देखनी है देखो जल्दी। हो गया, अब स्पेसिफिकेशन सबने देख ही लिए हैं, अब चलते हैं मुद्दे की बात पे, तो चलो वीडियो में घुस लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले का मुद्दा उठाना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है जो सैमसंग के मोबाइल्स होते हैं वो होते हैं डिस्प्ले के लिए मशहूर, डिस्प्ले उनकी होती भी कमाल की है, बट यार यहाँ कुछ सैमसंग ने गड़बड़ कर दिया बहुत बड़ी। तो इसमें आपको मिलती है 6.3 इंच की डिस्प्ले, जो कि एक फुल HD+ डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी बात है, फुल HD+ है, 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है और 409 PPI मिलती है, ये भी ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ही तो है भाई, क्योंकि इसमें आपको मिलती है IPS डिस्प्ले। मुझे भी आपकी तरह यकीन नहीं हो रहा, जैसे आपको नहीं हो रहा, इसकी डिस्प्ले की जो देखी थी ना मैंने IPS डिस्प्ले, बड़ा मूड खराब हुआ मेरा बहुत ज्यादा। मैं आपसे अभी कहना चाहूँगा, इस फोन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी जो कमी बनेगी वो यही बनेगी इसकी डिस्प्ले। इसमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, सबसे बड़ी कमी है इस मोबाइल की। अब जो कैमरा वाला सेगमेंट है ना, इसमें जो मेरा दिमाग आया ना एकदम घूम गया, दिमाग की दही बन गई जैसे कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझो मेरी बातों को, जो मैं बोलने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है ये वाला, एंड बहुत से बंदे क्या करते हैं कैमरे के लिए मोबाइल लेते हैं, बट यार आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा आपको समझाता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी M31 जो कि अभी कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ था, एंड उसमें आपको मिलते हैं 4 रियर कैमरास, एंड उसका जो प्राइस है वो है 16,000। 4 कैमरा, जो मेन कैमरा वो 64 मेगापिक्सल का, एंड जो अल्ट्रा वाइड है वो है 8 मेगापिक्सल का, एंड जो बैकग्राउंड ब्लर के लिए जो डेप्थ सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का, एंड एक मैक्रो कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का। टोटल 4 कैमरा रियर साइड पे, एंड जो फ्रंट सेल्फी है वो है 32 मेगापिक्सल की, एंड प्राइस है वो बता दिया 16,000 प्राइस है। सैमसंग गैलेक्सी M51 जो लॉन्च होने वाला बहुत ही जल्दी, उसमें आपको मिलते हैं 3 कैमरास, प्राइस इसका हाई है उससे। प्राइस कितना है जो रूमर्स आ रहे हैं वो आपको मैं लास्ट में बताऊँ कितना प्राइस का रहने वाला है, एंड इसमें आपको मिलते हैं 3 कैमरास, वही मेन कैमरा 64, अल्ट्रा वाइड 8 एंड डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल का, और जो प्राइस इसका हाई। अब मैंने कैमरा का आपको फंडा बता दिया है, आप खुद समझो, खुद थोड़ा आइडिया लगाओ, थोड़ा सोचो ये हुआ क्या, कुछ समझ में आया? सैमसंग वाले यार नसीब है, सच में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नसीब है। एक तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया एंड ऊपर से मैक्रो कैमरा भी हटा लिया, तो भाई यहाँ पे अपग्रेड कहाँ देखने को मिला हमें? सैमसंग M51 से M51 20 नंबर ज़्यादा, मतलब कुछ अपग्रेड होगा वहाँ पे, यहाँ तो एक कम कर लिया नंबर एंड पैसे, मतलब कि पैसे का अपग्रेड है भाई, और किसी का अपग्रेड नहीं है यहाँ पे, पैसे का पूरा पूरा अपग्रेड किया सैमसंग ने, यहाँ कोई कमी नहीं की सैमसंग ने। अब बात करते हैं अपने एक प्यारे से टॉपिक पर, जो है हमारी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भाई यहाँ पे हाँ, इसमें को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730, नो डाउट काफ़ी अच्छा चिपसेट है, एंड सैमसंग के हिसाब से इस प्राइस में वर्थ है, एंड मैं भी वर्थ मानूंगा कि सैमसंग दे रहा है तो अच्छी बात है। प्राइस यार इसका हाई है बहुत ज़्यादा, सच बता रहा हूँ, सैमसंग M31 से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो परफॉर्मेंस के बारे में आपसे कुछ कहना ही चाहूँगा, हाँ परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो, बट यार बात आती है बैटरी की, क्योंकि यार गेमिंग करनी है तो बैटरी चाहिए बड़ी, और ये सैमसंग का एम सीरीज का मोबाइल है तो बैटरी भी यार 5,000-6,000 में अच्छी होगी कम से कम, इसलिए सोच रहे हो ना, गलत सोच रहे हो भाई। इसमें आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, एम सीरीज 4000 mAh की बैटरी, ए सीरीज तो नहीं है, मुझे तो ए सीरीज लग रही है यार ये।
कहने वाली बात यह है, जो सैमसंग ने अपग्रेड किया ना वो किया है मात्र पैसों में, और कहीं अपग्रेड नहीं किया है, बस पैसे बढ़े हैं बस। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने मिलने वाले हैं। जो बेस वेरिएंट होने वाला है वो होने वाला है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, एंड जिसका प्राइस रहने वाला है, जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं, वो रहने वाला है 24 से 25 हज़ार के बीच। जब मैं इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन देखता हूँ ना एंड उसके बाद इस प्राइस को देखता हूँ तो यहाँ दर्द होता है भाई। मैं सोचता हूँ भाई सैमसंग इतना बढ़िया चल रहा था एंड M21 जो मोबाइल आया 12,700 का, इतना बढ़िया मोबाइल है भाई, इतनी बढ़िया डिस्प्ले एंड उसमें जो कैमरा है वो 48 MP का मेन, बट यार फिर भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है 48 और 64 में, थोड़ी सी भी डिटेल ज़्यादा हो जाती है 64 में, बट इतना प्राइस हाई कैसे करते हैं उन्होंने? नहीं, डिस्प्ले इतनी ढंग की डाली उन्होंने, कुछ करा कैमरा इतना इंप्रूव किया, बट पता नहीं प्राइस क्यों किया। दोबारा वही अपने विनाश वाले काम पर आ गया सैमसंग, एंड क्या बोलूँ मैं यार, छोड़ो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर इस प्राइस पर आता है यही स्पेसिफिकेशन आती है एंड 99% यही स्पेसिफिकेशन आने वाली है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ सर इस मोबाइल की तरफ नज़र ना डालें, आप प्लीज़ सैमसंग M21 की तरफ जाएं या फिर M31 की तरफ जाएं, अगर आप सैमसंग का मोबाइल लेना चाहते हैं प्लीज़ इस मोबाइल के बारे में ना सोचें 1% भी, यहाँ पे आपका लॉस ही लॉस है। तो बस आज की वीडियो थी, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया लाइक कर दीजिए, मुझे पता है आपने नहीं किया लाइक करो भाई, किस बात के दे रही है, इतना मैंने बोला है तो लाइक तो कर ही सकते हो, एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हो एंड पहली बार ही आ रहे हो, मुझे पता है आप पहली बार ही आ रहे हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, फ्यूचर में काफ़ी मस्त मस्त वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए, हाँ आप लोगों के लिए आने वाली है, और कौन देखेगा, आप भी देखते हो, कोई है और है ही कौन मेरा यार, आप भी देखते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के पास जो लोग M51 का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जोर तोरों से, ये भाई सैमसंग का नया मोबाइल आ रहा है। तो बस आज की रहती है, एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखें एंड अपने मोबाइल का भी ख्याल रखें, अपना सबका, घर वालों का, सबका ख्याल रखें प्लीज़, बाय।